स्पीच प्रोडक्शन डियर स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे स्पीच प्रोडक्शन के बारे में बात करनी हाउ स्टूडेंट्स आर प्रोड्यूसिंग स्पीचेस सो इस स्पीच uh, प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंक्रीज सेंटेंसेस लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स इंक्रीज स्पीच मोटर प्लानिंग सो स्पीच मोटर प्लानिंग के लिए उनमें Uh, जो जूँ जूँ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ती है तो उनको प्लानिंग करना पड़ती है और ऑल तो देर इज़ अगरचे कि ये एक प्रोटेक्टेड रास्ता है यानी एक प्रोटेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन है स्पीच मोटर प्लानिंग का मोटर डेवलपमेंट का दैट लेट्स वेल इन टू तो द एडल्टड यानी एडलोसेंस में जाके ये ख़त्म होता है लेकिन ये चूंकि आगाज़ में ये इब्तई सालों में शुरू हो जाता है स्कूल ईयर्स में तकरीबन नौ साल की एज में बच्चे बिगेन टू यूज़ एडल्ट लाइक स्पी, प्री स्पीच प्रोसेस तो वो नौ साल की उम्र में प्री स्पीच के अल्फाज शुरू कर देते हैं टू प्लान द टाइमिंग ऑफ सेंटेंस फ्रेजेस और उनको उनकी जो किस कितनी लेंथ होगी सेंटेंस की या किस तरह कितने टाइम में सेंटेंस बोलना है तो ये टाइमिंग्स वगैरह की प्लानिंग शुरू कर देते हैं अगर चाहे यंगर चिल्ड्रन वेरी कंसिडरेबली इन देयर मूवमेंट तो जो उनके जो साउंड uh, प्रोड्यूस करने के लिए उनकी जो मूवमेंट्स हैं बस उनके हॉर्न्स जो है उनसे या जबड़ों की मूवमेंट्स या वो उनमें डिफरेंस होता है या उनकी मूवमेंट्स की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे लिप राउंड करके टू प्रोड्यूस साउंड और द मूवमेंट्स मे अफेक्ट एक्सटेंडेड अक्रॉस एन एंटायर अट्रेंस यानी एक पूरे जुमले की अदायगी में उनको वो फ़र्क कर सकते हैं मुख्तफ अंदाज में वो अपना फ़िक्र अदा कर सकते हैं होंटों को गोल करके या मुख्तफ जगड़ों जबड़ों से या टंग की मुखलिफ साउंड से जो साउंड आर्टिकुलेटर्स होते हैं उनकी उनसे करते हुए सो जंग और एडल्ट सब के लिए दोनों के लिए ये वो एक ब्रॉड चंक्स बनाए जाते हैं छोट छोटे छोटे पीसिस ऑफ लैंग्वेज होते हैं जिनकी मदद से वो ये सीखते हैं और वो प्लान करते हैं किस तरह उन्होंने इनिशिएट करना है अपनी लैंग्वेज को और किस तरह उन्होंने फ़िक्रों को सेंटेंसेस की प्रोडक्शन का आगाज करना है और वो आ, कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं सेंटेंसेस की अदायगी के लिए जैसे बोथ अ स्टेटमेंट आर अ डेटिव के एक डेक्लेटि स्टेटमेंट या क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना और बट डोंट चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर बाजुकात वो जब इस तरह सेंटेंस अदा किया जाता है कि उसमें सेंटेंस के लिहाज से ऑर्डर चेंज नहीं किया जाता जस्ट आपके एक्शन से या आपके स्टाइल से पता चलता है कि आप सवाल कर रहे हैं सो जॉन्स गोइंग टू द पार्टी नोट फॉर द डिफरेंस रिदमिक और प्रोसूडक पैटर्न्स इन ईच ऑफ द डिफरेंट टोन्स तो यानी डिफरेंट टोन्स में जो उनके उन उनका अंदाज़ा लगाना उसमें उसके डिफरेंट पैटर्नस का अंदाज़ा लगाना उसमें रिदमेटिक्स रिदम्स का uh, जायज़ा लेना ये सारी चीज़ें uh, ये सीखते हैं इसमें साउंड स्पीच प्रोडक्शन में, में. अगरचे बच्चे और uh, जो है जो ही वो चार साल की उम्र को पहुँचते हैं वो अपनी स्पीच को अपने लिप्स को मॉडिफाई करने के काबिल हो जाते हैं और अपनी जा मोवमेंट्स टू तो, टू तो मार्क दिस डेक्लेटिव एंड इंटेरोगेटिव कंट्रासशन यानी डिक्लेरेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में फ़र्क कर सकते हैं उसका कंट्रास्ट कर सकते हैं और रिफ़ाइनमेंट ऑफ दीज मूमेंट्स विल कंटिन्यू थ्रू आउट द एडल्टड तो चा पूरे चाइल्ड हुड से शुरू करके एडल्टड तक उनकी ये जो इसमें रिफ़ाइनमेंट है यानी इसमें जो साउंड्स की में बेहतरी है या स्पीच प्रोडक्शन में जो बैटरमेंट है वो जारी रहती है तो इस तरह ये बच्चे स्पीच प्रोडक्शन हासिल करते हैं